नमस्कार, एक बार फिर मेरे चैनल रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं मिक्स वेज की सब्जी। आप खाने में जो जो सब्जियां खाना पसंद करते हैं उन सभी सब्जियों को मिक्स करके आप मिक्स वेज की सब्जी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मिक्स वेज की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मिक्स वेज की सब्जी बनाने के लिए हमने 400 ग्राम गाजर लिया है। हमने गाजर को छील के धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने 200 ग्राम शिमला मिर्च लिया है। शिमला मिर्च को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने 200 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को हमने पहले से ही धो लिया था और हमने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 3 हमने बड़े आलू लिए हैं। आलू को हमने छील के धो लिया है और काट लिया है। हमने 400 ग्राम गोभी लिया है। गोभी को हमने काट के धो लिया है। और 1 कटोरी हमने फ्रेश मटर लिया है। आप चाहें तो फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 150 ग्राम हमने पनीर लिया है। पनीर को हमने छोटे टुकड़ों में काट के रख लिया है। हमने 3 बड़े प्याज लिए हैं। हमने प्याज को लंबे आकार में काट लिया है। हमने 4 बड़े टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने धो के काट लिया है। हमने 20 से 25 लहसुन की कलियां ली हैं। 1 टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। 2 चम्मच हमने जीरा लिया है। 1 छोटा चम्मच हमने काली मिर्च लिया है। हमने 1 बड़ी इलायची ली है और हमने 5 छोटी इलायची ली है मिक्स वेज की सब्जी में डालने के लिए। 2 बड़े चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 2 छोटे चम्मच हमने मिर्ची पाउडर लिया है। आप अपने तीखे के अनुसार इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। 3 छोटे चम्मच हमने नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक डाल सकते हैं। हमने मटर बॉयल करने के लिए पहले से ही भगोने में पानी रख दिया है और पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें मटर डाल के बॉयल कर लेंगे। जब तक मटर बॉयल होता है तब तक हम सारी सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। हमने कढ़ाई पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हमें सारी सब्जियों को फ्राई करना है इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। तो हम कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं और गोभी को फ्राई कर लेंगे हम। हमें गोभी को तब तक फ्राई करना है जब तक गोभी हल्की सी सुनहरी ना हो जाए। हमें गोभी को मीडियम आंच में फ्राई करना है। हम गोभी को बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो गोभी जल जाएगी। और ये देखिए, गोभी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। हम मटर भी चेक कर लेते हैं कि मटर हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं। ये देखिए, गोभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आलू डाल के फ्राई कर लेते हैं। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम आलू को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो आलू एक तरफ से जल जाएगा। ये देखिए, आलू हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम गाजर डाल देते हैं और गाजर को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। जब गाजर हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, गाजर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसे निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च को हमें हल्का सा फ्राई करना है। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो हमें बस इसे 1 मिनट फ्राई करके निकाल लेना है। ये देखिए, शिमला मिर्च हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं और पनीर को डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इन सभी खड़े मसालों का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने कढ़ाई में बस 4 बड़े चम्मच ऑयल रखा है, बाकी सारा एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें तेज़पत्ते का तड़का लगा लेते हैं। 1 चम्मच जीरा भी डाल देते हैं। जब जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखिए, जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमें प्याज को बस 2 मिनट पकाना है। जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तब इसमें सब्जी डालेंगे। प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगी। ये देखिए प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें कटे हुए मशरूम डाल लेते हैं। मशरूम बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है, इसलिए हमने मशरूम को डीप फ्राई नहीं किया था। हम इसमें मशरूम को बस 2 मिनट पकाएंगे। अब हम प्याज और मशरूम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढक देते हैं और 2 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए हमारी मशरूम अच्छे से पक चुकी है और प्याज भी अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। हमने जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो डाल लिया हमने। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, आप अपने तीखे के अनुसार इसमें मिर्ची और भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डाल लेते हैं। हमने ये 3 छोटे चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें नमक डाल सकते हैं। कटी हुई टमाटर डाल दें और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। हमें मसाले को बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। हमें मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे और सारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अब हम इसे ढक लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाले से तेल निकलने लगा है, सारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और इसका बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। अब हम इसमें फ्राई की हुई सारी सब्जियों को डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स वेज बनाते समय अपनी मनपसंद सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सारी सब्जियों को हमने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं ताकि सब्जियों में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और सब्जियों से तेल निकलने लगा है हमारी सब्जियाँ। अब हम सब्जी को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। हमारी मिक्स वेज की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जी को एक बॉल में निकाल लेते हैं और हरी धनिया से सजाकर गर्मा गर्म सर्व करते हैं। हमने ये सब्जी 5 से 6 लोगों के लिए बनाई है। आप ये सब्जी बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाकर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा पे। तब तक के लिए बाय बाय।